आपने देखा होगा YouTube के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं कि आपको सिर्फ ये करना है और आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग ठीक हो जाएंगे, आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ठीक हो जाएंगे, आपके ब्लैंक्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपको MCQ ऐसे करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका है, लेकिन आपको जो वीडियोस में दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती है, और वो बहुत सिंपल से पैसेजेस आपको दिखा के आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और आप लोग को लगता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट तो ये आइल्स तो बहुत इजी, आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को सिर्फ वही स्टूडेंट्स देखें जो रियलिटी में कुछ सीखना चाहते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको मैंने उनको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बताई थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप पहले उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो को प्रॉपरली देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूं 200% क्या 300% आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमियां कहां पे, आपको कौन सी चीज के ऊपर काम करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बताया था कि दो तरीके से हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करना है। पहले हमने फर्स्ट टू लाइन और लास्ट सेंटेंस वाली स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई करना है, मैंने इस वीडियो में वहीं से स्टार्ट किया है। सारे पैराग्राफ्स को हम सिर्फ फर्स्ट टू लाइंस और लास्ट सेंटेंस के ऊपर फोकस करेंगे पहले, और उसके बाद मैं बताऊंगा, जैसे मैंने डिटेल्ड रीडिंग का आपको बताया था कि डिटेल्ड रीडिंग करनी कैसे है, उसमें कौन सी चीज़ करनी है, आपको डिस्कोर्स मार्कर कौन से ध्यान में रखने हैं, आपको रेफरेंस प्रोनाउन कौन से ध्यान में रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताई गई हैं। अगर आपके पास टाइम है तो तभी ये वीडियो देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और, जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को रीडिंग का PDF चाहिए, रियल एग्जाम वाला, जिस स्टाइल में आ रही हैं, या कहीं से पैसेज भी रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ 100 रुपीस आपको पे करना है। आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आप पे करके मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको उसी टाइम सेंड कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज एक बारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट IELTS, अपडेट्स, वीजा के रिगार्डिंग सब चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं जो इसका प्रैक्टिकल। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा जो मैंने भी टिप्स बताए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। तो ये पैराग्राफ, ये पैसेज मेरे पास है और ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो 27 नंबर क्वेश्चंस पे पैराग्राफ बी लिख रहा है, तो मीन्स कि हमें ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में जब प्रेशर होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ लेंगे, उसको पढ़ने के बाद वो जब यहाँ पे जाएंगे तो दे विल गेट सरप्राइज कि ओह माय गॉड, ये तो है ही नहीं इसमें। तो ये चीज़ आपने नहीं करती, बी केयरफुल, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। टाइम वेस्ट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका कुछ, ये जितने भी पैराग्राफ्स हैं BCDEFGH, जितने भी इस पर हमने पहले ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अगर हमको देखते हैं कितने आंसर्स मिलते हैं। तो क्विकली वी विल मूव टू द पैराग्राफ बी। So here he's saying like before television, this is very important, before television means television से पहले, before television, ये कुछ भी नहीं है, इसको आपने ignore करना है। Before television, live matches could only be viewed, okay, in person. In person means live matches, ground में जाके लोग देखते थे। तो टेलीविजन से पहले जो लाइव मैचेस होते थे उनको लोग ग्राउंड में जाकर देखते थे। फॉर मेजोरिटी ऑफ फैंस, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ के देखते हैं, फॉर मेजोरिटी ऑफ फैंस हु वर अनएबल टू अफोर्ड टिकट्स टू द टॉप फ्लाइट मैचेस और टू ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड टू सी देम, ओके, द ओनली ऑप्शन वॉज टू अटेंड लोकल गेम इंस्टेड वेयर द स्टेक्स वर मच लोअर। तो ये वाला सेंटेंस पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जस्ट सी
टेलीविजन से पहले जो थे वो लाइव मैचेस लोग देखने के लिए मीन्स इन पर्सन जाते थे, और ज्यादातर जो फैंस थे वो क्या करते थे, यहाँ पे देखिए हु आर अनेबल टू फूड ये कुछ नहीं है, वो क्या करते थे, ज्यादातर फैंस क्या करते थे, ज्यादातर फैंस हु आर अनएबल टू अफोर्ड टिकेट्स टू द फ्लाव और टू ट्रेवल टू द, ये क्या करते थे, रिक्वायर्ड टू सी देम द ओनली ऑप्शन वॉज टू अटेंड ये वाली ऑप्शन, इसको आपने अंडरलाइन करना है। ये सारा बीच में कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है और उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉमा है। तो ज्यादातर फैंस जो थे उनको देखने के लिए क्या करते थे कि उनके पास एक ही ऑप्शन थी कि उनको अटेंड करना पड़ता था जाके, और वहां पे स्टेक्स जो थे वो बहुत लोअर रहते थे। तो इससे हम थोड़ा मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। जेंडर बायस इन टेलीवाइज्ड स्पोर्ट्स, जेंडर बायस, ये बायस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बायस मीन्स, बायस का मीनिंग होता है किसी चीज का पक्षपात करना वी कैन से। तो ऐसा तो जेंडर की तो उसने कोई बात नहीं करी, जैसे मेल फीमेल समथिंग। मोर मनी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज, आई डोंट थिंक सो, मोर मनी वगैरह की कोई बात नहीं की है। मिक्स्ड व्यूज एंड टेलीविजन रोल्स इन स्पोर्ट्स, टेलीविजन का जो रोल है स्पोर्ट्स में उसके ऊपर मिक्स व्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट्स, टिकट्स की बात उसने की है। टिकट्स टू टॉप मैचेस टू एक्सपेंसिव, टिकट्स जो थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। हाँ, इसको देखे बहुत सारे स्टूडेंट इंप्रेस हो जाएंगे और वो सोचेंगे अच्छा टिकट्स की बात करिए, यहाँ पे वो देखो मैंने छोड़ ही दिया, दैट इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, नथिंग, बिकॉज यहाँ पे देर इज अ रेफरेंस प्रोनाउन जो इनके बारे में बता रहा है कि ये जो फैंस थे, ज्यादातर जो फैंस थे वो क्या करते थे, जो वो नहीं कर पा रहे थे, ये मेरी मेन वर्ब है। उनको क्या चाहिए था, रिक्वायर्ड टू सी देम द ओनली ऑप्शन वॉज टू अटेंड अ लोकल गेम इंस्टेड वेयर स्टेक्स वर मच लोअर। तो ये जस्ट इट इज जस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड आई एम जस्ट गोना डिलीट इट। ऐसे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी जो डिस्ट्रैक्शन होंगी, तो आपको ऐसे ही इसको जो है वो यू शुड डिलीट इट। ओके, ये आने वाले ऑप्शंस में भी मे बी इट्स नॉट गोना बी द राइट ऑप्शन फॉर एनी हेडिंग, आई एम 100% श्योर, बट समटाइम्स इट कैन हैपन, बट जनरली आई वुड से 99% देर आर चांसेस की अगर उसने उन्होंने कोई भी वर्ड एक एक हेडिंग में यूज कर लिया या एक ऑप्शन यूज कर लिया, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन ही है, तो वो दूसरे में यूज नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अ कॉमन मिसकंसेप्शन। आई डोंट थिंक कॉमन मिसकंसेप्शन मतलब कोई गलत धारणा, कोई आम मिसकंसेप्शन थी बीच में। पर्सनल स्टोरीज बिकम फोकस, पर्सनल स्टोरीज बिकम द फोकस मीन्स कि पर्सनल स्टोरीज जो थी वो फोकस बन गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स पीपल बिकम स्टार, जो स्पोर्ट्स लोग थे वो स्टार बन गए थे। रूल्स चेंज द प्लीज, रूल्स चेंज्ड टू प्लीज द व्यूअर्स, आई डोंट थिंक सो कि रूल्स चेंज करने की कोई बात करी है। लोअर लेवल टीम्स लूज आउट, लूज आउट मतलब कि लोअर लेवल की जो टीम थी उनको वो खत्म हो गई थी या लूज आउट हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसने। स्किल लेवल इम्प्रूव, स्किल लेवल इम्प्रूव मतलब स्किल्स का जो लेवल था वो इम्प्रूव हो गया। और लास्ट ऑप्शन है टीवी अपील इन्फ्लुएंसेस स्पोर्ट्स सक्सेस, टीवी की जो तारीफ है वो इन्फ्लुएंस करती थी, प्रभाव डालती थी स्पोर्ट्स की सक्सेस पे। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कुछ भी मेरे को फर्स्ट टू लाइंस में से कुछ नजर आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा लास्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस यहाँ पे फिर से देखिए रेफरेंस प्रोनाउन ही हैज यूज्ड। सो आई ऑलरेडी गेव यू वेरी इंपॉर्टेंट टिप, रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस शिफ्ट मीन्स, दिस शिफ्ट इन व्यूइंग पैटर्न वैक्यूम आउट द स्पोर्ट बेस ऑफ द लोकल मैनी ऑफ विच अल्टीमेटली फोल्डेड। यहां से मे बी कुछ बन सकता है हेडिंग, बट इसको मैं डिटेल में ही बताऊंगा आपको जब हम डिटेल रीडिंग करेंगे। तो मीन्स फर्स्ट टू लाइन्स में सो तो कुछ भी नहीं मेरे को मिला है। आई विल जस्ट स्किप इट, विल मूव डायरेक्टली मूव टू द सेकेंड वन एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। और मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, अगर आप खुद करोगे जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसके हैबिचुअल होगे तो आपको ना तो कोई आपका टाइम वेस्ट होगा और आप डायरेक्टली आंसर्स आपको मिलेंगे। सेकेंड में चलते हैं, तो
हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है कि साथ में कुछ ना कुछ रफ नोट्स यहाँ पे आपने लिख लेने हैं, कि साइड में यहाँ पे कुछ ना कुछ रफ नोट्स आप लिखते रहो, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम बाद में जब आप इसकी डिटेल रीडिंग करोगे तो थोड़ा थोड़ा इसका जो भी आपने गेस लिया है, वो जो आपने इसका ओवरव्यू पैराग्राफ का लिया, वो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर दोज ऑन मोर प्रॉस्परस साइड ऑफ दिस शिफ्ट मीन्स, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसकी रेफरेंस फिर से पिछले पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज मैं और बताता हूँ, जनरली वो जो फर्स्ट हेडिंग है वो उसको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग, या उसको इधर उधर की बातें उसमें ज्यादा करेंगे, ताकि स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज हो और उसका टाइम वेस्ट हो। तो बी केयरफुल, अगर फर्स्ट वाला हेडिंग नहीं भी मिल रहा है तो डोंट वरी, जस्ट मूव टू द सेकंड वन एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज हमने जो इजी वाले आंसर्स हैं उनको पहले आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो दिस शिफ्ट इसने दो बारी यूज किया है, ये चेंज, शिफ्ट मीन्स चेंज, और इसकी स्टार्टिंग में भी ये कह रहा है दिस शिफ्ट। तो अल्टीमेटली इसका पिछले पैराग्राफ के साथ एक कनेक्शन तो कुछ ना कुछ है। फॉर दोज ऑन द मोर प्रॉस्परस साइड ऑफ दिस शिफ्ट इन व्यूइंग बिहेवियर, हाउएवर, दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट मार्कर, अगेन आई विल हाईलाइट इट। तो ये जो प्रॉस्परस मीन्स समथिंग वी कैन से पॉजिटिव, वो लोग जो इसका पॉजिटिवली इसको देख रहे थे, जो चेंज आया था पीछे, फिर भी द फाइनेंशियल रिवार्ड्स आर सस्टेंशियल, सस्टेंशियल मीन्स इनफ, इट्स टू मच, जो फाइनेंशियल रिवार्ड्स थे वो बहुत ज्यादा थे, मीन्स पैसे की बात कर रहा है ये स्टार्टिंग में। ओके, फिर आगे हम चलते, टेलीविजन असिस्टेड इन डीरेलिंग लॉन्ग हेल्ड कंसर्न इन मैनी स्पोर्ट्स अबाउट वेदर वेदर एथलीट्स शुड रिमेन एमेच्योर और गो प्रो, एंड रिप्लेस्ड दिस सिस्टम विद अ न्यू पैराडिगम वेयर नियरली ऑल एथलीट्स आर फ्री टू परसू स्टार्डम एंड टू मेक मनी फ्रॉम देयर स्पोर्टिंग प्रोवेस, स्पोर्टिंग प्रोवेस, फ्रॉम देयर स्पोर्टिंग प्रोवेस। तो ये वाला जो सेंटेंस है, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग सेंटेंस, बट इसमें अगर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में समथिंग ही हैज यूज फाइनेंस और मनी की बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए फिर से टू मेक मनी। इसको हम दो सेंटेंस में से थोड़ा सा अगर गेस करें तो मे बी पैसे की बात देखते हैं कि किसमें हुई है। तो पैसे की बात अगर हम देखें तो मोर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, इन माय ओपिनियन दिस कैन बी द राइट आंसर। और इसको हम डायरेक्टली बिना पढ़े, अगर हमें कंफर्म करना पड़े तो आगे भी उसको पढ़ के थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में अगर कुछ हिंट मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको कंफर्म करने के लिए आप आगे भी जा सकते हैं। सो आगे जा इसको थोड़ा देखते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स टॉप लेवल स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन हैव साइंड ल्यूक्रेटिव इंडोर्समेंट डील्स एंड स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ डेकेड्स में क्या हुआ कि बहुत जो टॉप लेवल स्पोर्ट्स मैन थे, देखो डिफरेंट डिफरेंट, मैंने अभी जो सेंटेंस पीछे पढ़ा था, जैसे ये वर्ड है पैराडिगम, फिर जैसे ये प्रोवेस है, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आपने इसमें फंसना नहीं है, कीप ऑन रीडिंग। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि ऊपर जो वो बात कह रहा है उसको आगे जाके वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स वोकैबुलरी में फंस जाते हैं। सो इसको हम पढ़े तो ल्यूक्रेटिव एंडोर्समेंट डील्स एंड स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है, पैसा, मीन्स पैसे वगैरह के लिए उन्होंने कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए साइन वगैरह करे थे। तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर दिस आंसर इज डेफिनेटली बी। तो इसको हम सेकंड लिख देंगे, जो सी, सॉरी सी वाले का जो आंसर है, इट इज डेफिनेटली गोना बी ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। सो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट वाले में चलते हैं, सी के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट इज डी। ऊपर वाले पैराग्राफ में ऑफकोर्स वो पैसे की बात कर रहा था। द इफेक्ट ऑफ टेलीविजन एक्सटेंड फर्दर, इसका क्या मीनिंग है कि वो जो एक्सटेंड था वो आगे फर्दर एक्सटेंड हो रहा था। हाउ एवर एंड इन मैनी
instances have led to changes in sporting codes themselves. तो आगे ये इसके जो टेलीविजन के इफेक्ट्स थे वो आगे एक्सटेंड हो रहे थे और इसके जो चेंजेस इसने और आगे क्या किया, हैव लेड टू चेंजेस, हैव लेड मींस हैज रिजल्टेड, ये जो इसके इफेक्ट्स हैं इसकी वजह से क्या हुआ है कि चेंजेस आए हैं स्पोर्टिंग कोड्स में, स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स के जो कोड्स हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आगे क्या चेंजेस आए हैं वो बताने की कोशिश करेगा मे बी। ये फर्स्ट सेंटेंस मेरे को यही लग रहा है कि इसके इफेक्ट्स से स्पोर्टिंग कोड्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं, प्रायर टेलीविजन कवरेज ऑफ विंटर ओलंपिक फॉर एग्जाम्पल द फिगर स्केटिंग इन्वॉल्व्ड अ कंपोनेंट इन विच स्केटर ड्रिव फिगर्स, ये कुछ इधर उधर की घुमा रहा है बात को, लेकिन ये प्रायर वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रायर मीन्स पहले, सो टेलीविजन की कवरेज आने से पहले क्या हुआ था, बिकॉज यहाँ से कोमा है, कोमा मीन्स कि ये जो सेंटेंस है इट मीन्स कि ये जो भी चीज है ये टेलीवाइज्ड कवरेज ऑफ विंटर ओलंपिक्स होने से पहले, कवरेज होने से पहले ये सेंटेंस बता रहा है क्या हुआ, द फिगर स्केटिंग इन्वॉल्व्ड ए कंपोनेंट इन विच स्केटर्स ड्रू फिगर्स इन द आइस विच वर लेटर इवेल्युएटेड फॉर द प्रसिशन ऑफ देयर शेप्स। तो ये कुछ वो आगे बता रहा है कि टेलीविजन की जो लाइव कवरेज आती थी उसके आने, जो ओलंपिक्स की लाइव कवरेज आई थी उससे पहले जो स्केटिंग, स्केटिंग में भी जो आइस पे जो वो स्केटिंग करते हैं प्लेयर्स, उसके बारे में वो बता रहा है कि वो कुछ ड्रॉ करते थे कुछ फिगर्स वगैरह, तो ऐसा ये कुछ बता रहा है। आई एम नॉट श्योर कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इवन आई डोंट नो। तो उसके बाद फिर से ये दिस कंपोनेंट मींस ये जो लास्ट सेंटेंस में एक कंपोनेंट वर्ड इसने यूज किया, इसी की रेफरेंस दे रहा है, ये जो कंपोनेंट था ट्रांसलेटेड पुअरली टू द स्मॉल स्क्रीन। तो ये डिटेल में जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस में से कुछ मेरे को आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जेंडर वाइज इन द टेलीवाइज्ड स्पोर्ट्स मिक्स्ड व्यू ऑन टेलीविजन रोल अ कॉमन मिस परसेप्शन पर्सनल स्टोरीज बिकम फोकस sports people became stars, rule change to please viewers, rule change की बात तो opening वाले sentence में वैसे उसने की है, but viewers को खुश करने के लिए ये तो नहीं मेरे को नजर आ रहा है, तो I will just skip it। वैसे भी distraction इसमें बहुत ज्यादा इस paragraph में, components, skating, उसकी reference pronoun he has used, so I will just skip it, I will see it later। और भी देख लेते हैं जो बचे हैं इसमें से कुछ, लोअर लेवल टीम्स लूज आउट, आई डोंट थिंक सो, स्किल लेवल इंप्रूव, टीवी अपील, नाउ आई डोंट थिंक सो, सो आई विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। ई पैराग्राफ, इन एडिशन टू इंसिनुएटिंग चेंजेस इनटू स्पोर्ट्स रेगुलेशन, ये देखिए यहां से मेरे को पिछले पैराग्राफ का भी कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है। तो इन एडिशन मीन्स किसी चीज के अलावा, इन एडिशन किसी चीज के अलावा, किस चीज के अलावा, जो चेंजेस आए हैं स्पोर्टिंग रेगुलेशन में, स्पोर्टिंग रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं उसके अलावा, ये कोमा दे रखा उसके इस, उसके अलावा क्या हुआ है, टेलीविजन ऑल्सो, दिस ऑल्सो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। टेलीविजन ने क्या किया, ऑल्सो फेवर टेंड टू फेवर सम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ओवर अदर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेलीविजन फेवर कर रहा है किस चीज को, फेवर कर रहा है कुछ स्पोर्ट्स को फेवर कर रहा है दूसरों के कंपैरेटिवली, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपने अंडरलाइन कर। लेकिन देखिए इसको मैं अगर स्टार्टिंग में ध्यान से पढ़ू, लिंकिंग लैंग्वेज उसने स्टार्टिंग में इन एडिशन टू समथिंग इसने यूज किया, तो इट मीन्स किसके अलावा, स्पोर्टिंग रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं, तो जो पिछला पैराग्राफ है 100% श्योर डेफिनेटली इसमें रेगुलेशन चेंजेस की बात की होगी, इसके अलावा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने लिखा है इसके अलावा, किसके अलावा मींस जो पिछले पैराग्राफ में वो बात कर रहा था। तो देखिए कैसे लिंकिंग जो है, रेफरेंसिंग जो है, वो आपको बिना पढ़े आपको आंसर्स जो है वो गेस करने में हेल्प कर रहे हैं, लिंकिंग लैंग्वेज जो है, रेफरेंस प्रोनाउंस जो है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, ये लिंकिंग लैंग्वेज है इन एडिशन टू, हाउएवर ये सब लिंकिंग लैंग्वेज है। तो
मीन्स कि मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो मैंने पढ़ा था रूल्स चेंज टू प्लीज व्यूअर कुछ हद तक सही हो सकता है, तो इसको डिटेल में हम कंफर्म करेंगे बाद में। तो टेलीविजन क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है कुछ स्पोर्ट्स को, तो कुछ स्पोर्ट्स को वो फेवर कर रहा है। दूसरा सेंटेंस अगर इसका पढ़ते हैं, फेवर कर रहा है, फिर उसने इसको आगे एक्सप्लेन किया है, सम इवेंट्स, सम इवेंट्स मीन्स कौन से इवेंट्स को वो फेवर कर रहा है, आगे उसकी रेफरेंस दे रही है, मेरे की कुछ पढ़ने का फायदा नहीं है। सम इवेंट्स सच एज, ये जी इसको आपने अंडरलाइन नहीं करना है। सम इवेंट्स अपीयर्स टू बेनिफिट, अपीयर्स टू बेनिफिट इज इंपॉर्टेंट। और इसके बाद इसने कॉलन यूज किया, ये कॉलन मीन्स ये दो बिंदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये बेनिफिट की बात कर रहा है। तो इसमें तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है कि टीवी जो है वो कुछ स्पोर्ट्स को बेनिफिट देता है। जेंडर बायस इन टेलीवाइज्ड स्पोर्ट्स, मिक्स्ड व्यू ऑन टीवी रोल इन स्पोर्ट्स, ओके, अ कॉमन मिसपरसेप्शन, पर्सनल स्टोरीज, स्पोर्ट्स पीपल बिकम स्टार, रूल चेंज टू प्लीज व्यूअर, लोअर लेवल टीम्स लूज आउट, स्किल्स लेवल इम्प्रूव, और क्या हो सकता है भाई इसमें से, टीवी अपील इन्फ्लुएंसेस स्पोर्ट्स सक्सेस, टीवी अपील इन्फ्लुएंसेस स्पोर्ट्स सक्सेस। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी, इन माई ओपिनियन इट मस्ट बी, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस से गेस लगाएं तो इट मस्ट बी दिस वन, ऑप्शन नंबर 11। सो ई पैराग्राफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 11। आई विल जस्ट राइट इट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ई के बाद एफ पैराग्राफ में जाते हैं। इसमें इसने लिखा अनदर चेंज, अच्छा शिफ्ट की बात स्टार्टिंग से कर रहा है, ये सारे चेंजेस आए हैं टीवी में, तो टेलीविजन में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अनदर चेंज इन द स्पोर्टिंग लैंडस्केप दैट टेलीविजन हैज ट्रिगर्ड इज, अनदर चेंज ये कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने इसको अंडरलाइन किया, ये मेन वर्ब अनदर चेंज इज, ये सारा बीच में कुछ नहीं है, सब नाउन है, इतना बड़ा नाउन। अनदर चेंज इज वो क्या है, फ्रेमिंग ऑफ स्पोर्ट्स नॉट मेयरली इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ स्किल्स, फ्रेमिंग इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द स्किल्स एंड एथलेटिसिज्म इन्वॉल्व, बट एज नॉट ओनली और बट, दो चीजें जब भी आएंगे इसका मीनिंग होता है एंड, नॉट मेयरली मीन्स नॉट ओनली। तो दो चीजों में चेंज आया है वी कैन से, कि एक तो इसने स्किल्स और एथलेटिसिज्म में चेंज किया है, और दूसरा पर्सनल नैरेटिव्स जो हैं, नैरेटिव्स मीन्स स्टोरीज जो हैं, जीत की जो जीत जो प्लेयर्स जीतते हैं तो वो अपनी स्टोरीज को भी शेयर करते हैं, तो पर्सनल स्टोरीज एंड रिडम्पशन इन पार्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपेटिटर्स, ये चीज भी वो बताने की कोशिश कर रहा है कि दो चीजों में इसने चेंज किया, एक तो स्किल्स और एथलेटिसिज्म में, दूसरा उसको फ्रेम करने में स्पोर्ट्स को, और दूसरा जो नैरेटिव्स हैं मींस स्टोरीज वगैरह हैं, जो इवेंट्स वगैरह हैं उसमें भी चेंज आया। कि फिर से रेफरेंस दे रहा, दिस दिस इज मेड इजियर, और डिटेल में अगर हम इसको थोड़ा गैस करें यहाँ तक, तो मे बी स्टोरीज की बात कर रहा है और चेंजेस की बात कर रहा है, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है उसका सही हो सकता है। तो जेंडर बायस इन टेलीविजन, मिक्स्ड व्यू, आई डोंट थिंक सो, अ कॉमन मिसपरसेप्शन, एंड दिस वन इज पर्सनल स्टोरीज बिकम फोकस। सो पर्सनल स्टोरीज पे भी उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का क्या मीनिंग होता है एंड, वी कैन से इस चीज पे तो वो कर ही रहे थे, इसके अलावा उन्होंने फ्रेमिंग कर रहे थे वो स्किल्स और एथलेटिसिज्म की तो कर ही रहे थे, बट एज ए पर्सनल नैरेटिव पे भी वो करना उन्होंने शुरू कर दिया, नैरेटिव्स ऑफ द ट्रायंफ, ट्रायंफ मीन्स विक्ट्री, जो जीत की जो स्टोरीज थी, तो दिस डेफिनेटली मस्ट बी ऑप्शन नंबर 6। आई विल जस्ट रिड्यूस इट फ्रॉम द ऑप्शंस, सो पैराग्राफ नंबर एफ इज डेफिनेटली गोना बी 6।
इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा जो है वो आंसर श्योर हो जाएगा. वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इफ वी गो ऑन. एंड व्हाट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन ऑनरशिप व्यूशिप सॉरी एंड व्हाट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मेल टेलीविजन व्यूशिप. इसका क्या मीनिंग है कि जो मेल टेलीविजन देखते थे उसके इफेक्ट्स के बारे में पूछ रहा है. सर्टेनली ये क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्टेनली मेन हैव ऑलवेज, अब ये देखो ये जेंडर्स की बात स्टार्टिंग में दे रहा है, तो मेन हैव ऑलवेज बीन विलिंग टू वॉच मेल एथलीट्स एट द टॉप ऑफ गेम बट फीमेल एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन सेम स्पोर्ट्स हैव टिपिकली अट्रैक्टेड फॉर लेस इंटरेस्ट. तो इसको तो बिना पढ़े ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें देखिए फीमेल्स की बात कर रहा है, वो कैसे अट्रैक्ट होती थी देखने के लिए स्पोर्ट्स, और मेल्स जो थे वो कौन से स्पोर्ट्स मींस वो मेल वाले एथलीट्स जो थे वो टॉप लिस्ट पे उनके होते थे. तो डेफिनेटली ये बायस वाला होना चाहिए, जेंडर बायस इन टेलीविज्ड स्पोर्ट्स. तो जेंडर बायस इन टेलीविज्ड स्पोर्ट्स मींस जेंडर का जो डिफरेंस था कि कुछ जेंडर्स जो थे वो दूसरे वाला देखते थे, कुछ जेंडर्स दूसरे वाला देखते थे, समथिंग लाइक दैट ही सेइंग. इसको मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ा तभी ये दिस इज गोना बी द इजीएस्ट वन. विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड गेट द आंसर नंबर वन. तो चार मेरे को मिल गए हैं, मींस कि फर्स्ट थोड़ा सा गैस लगा के फोर आई हैव टेकन. राइट, सो If we go on, then we can see another one. Does all this suggest the influence of television on sports has been overwhelmingly negative? ये does के साथ उसने question शुरू किया कि क्या ये सारे जो ये जो suggest कर, क्या ये सारा कुछ suggest कर रहा है कि जो television है वो negatively impact कर रहा है. तो answer इसका बता रहा है, the answer will almost certainly depend upon on who among the various stakeholder is asked. Means कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप पूछ किसको रहे हो, किसको पूछने जा रहे हो आप. तो आगे वो बता रहा है किसको पूछोगे और क्या आंसर दे रहा है. फॉर दो, ये छोटा पैराग्राफ हम इसको सारा ही पढ़ सकते हैं. फॉर ऑल दोज, वो सारे लोग, फॉर ऑल दोज हु हैव लॉस्ट, ये देखिए दिस इज गोइंग टू बी हेल्प अस. ये सारे जो मैंने बताए थे आपको पंक्चुएशन, ये आपको अंडरलाइन कर लेने, जिसको मैं डैश बोल रहा था पिछली वाली वीडियोस में. फॉर दोज हु हैव लॉस्ट आउट, वो लोग जो जिन्होंने लूज कर लिया था, लोअर लीग टीम्स एथलीट्स हुज स्पोर्ट्स लैक अ सर्टेन विजुअल अपील. ये देखिए इसके बाद आपने ये सारा छोड़ देना है. जैसे मैं इसको पढ़ता हूं, For those who have lost, there are numerous others who have benefited. तो बस आपने इसको सपोज करो, आपने ये वाली लाइन को मानना है कि ये बीच में है ही नहीं. तो आपने अगर इसको ऐसे पढ़ोगे for those who have lost, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आना, there are numerous others who have benefited. तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो लूज कर चुके होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं मीन्स बहुत सारे ऐसे जिनको लॉस हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको बेनिफिट भी हुआ है. ये पूछ रहा था कि अगर हम उनको पूछेंगे तो आंसर डिफरेंट आएंगे. तो डेफिनेटली इसका भी आंसर जो है हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया. वैसे तो जो छोटे पैराग्राफ है उसको आप डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको आंसर्स जो है वो आराम से मिल जाएंगे. तो इसका जो आंसर है, इट मस्ट बी मिक्स्ड व्यू ऑन टीवीज रोल इन स्पोर्ट्स. तो ये वाला आंसर जो है, दिस इज गोना बी ऑप्शन नंबर थ्री डेफिनेटली. और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा. मे बी शायद एक मैं और चीज बताता हूँ, शायद इसमें एक रेफरेंस इसने यूज किया है. वन मोमेंट, इसमें एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, लोअर लेवल टीम्स लूज आउट. या ये पूरे का पूरा मैच हो रहा है ये एच पैराग्राफ के साथ. जैसे आप पढ़ोगे ना इसको, लोअर लीग टीम्स एथलीट्स हुज स्पोर्ट्स लैक्स एट, ये देखो लूज आउट वर्ड भी इसने यूज किया है, टीम्स वगैरह भी यूज कर रहा है. तो बहुत सारे स्टूडेंट में भी ये दे थिंक कि लोअर लेवल टीम लूज आउट ये लगा देंगे, बट नो,
दिस इज नॉट द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि इसके जो इन्फ्लुएंस हैं क्या वो नेगेटिव जा रहे हैं, तो वो कह रहा है इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है आप पूछ किसको रहे हो, मीन्स कि जो जिन जिनका लॉस हुआ है वो उसके फेवर में बोलेंगे, लेकिन उसके साथ न्यूमरस अदर्स भी हैं जिनको फायदा भी हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है, तो मीन्स कि मिक्स व्यू आएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो होपफुली काफी हद तक आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये दो अगर मैं लास्ट वाले छोड़ दूं तो 3 आंसर जो मेरे फर्स्ट ये जो पैराग्राफ सी है, पैराग्राफ ई है और पैराग्राफ एफ है, ये मेरे को फर्स्ट 2 लाइंस में प्रोबेबली आई गॉट इट। तो 7 में से 3 मिल गए थे, ये मैंने थोड़े डिटेल में पढ़ लिए हैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मेरे को जल्दी गैस हो गया। तो ये वाले जो पैराग्राफ थे दे वर द ईजिएस्ट वन, और अभी जो मेरे पास बचे हैं वो हम देखेंगे कौन कौन से हेडिंग्स मेरे पास बचे हैं। एक तो मेरे पास बी पैराग्राफ बचा हुआ जो बिगनिंग में था, और एक मेरे पास बचा हुआ है पैराग्राफ डी। तो डी पैराग्राफ को काफी हद तक मैंने श्योर कर लिया था कि उसमें जो चेंजेस वगैरह की शायद वो बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बोला भी था, इन एडिशन टू इंसिनुएटिंग चेंजेस टू स्पॉटिंग रेगुलेशन, इसको हम पहले करेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा गैस मेरे को ज्यादा लग रहा था कि ये सही हो सकता है। तो इसके अलावा जो चेंजेस हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में चेंजेस की बात करी थी उसने, सॉरी डी वाला हम कर रहे थे, तो डी वाले में ई से मैंने हिंट लिया था इसका कि ऊपर वाले पैराग्राफ में रेगुलेशन चेंज करने की वो बात कर रहा है, स्पोर्ट्स में जो रेगुलेशन चेंज हुए थे, तो चेंज वाला मस्ट भी हमने थोड़ा सा रीड आउट भी किया था। रूल्स चेंज टू प्लीज व्यूअर्स, मीन्स कि रूल चेंज कर दिए गए व्यूअर्स को खुश करने के लिए, कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं टीवी उनको खुश करने के लिए रूल चेंज कर दिए उन्होंने। तो ई पैराग्राफ में मेरे को इसके बारे में हिंट मिल रहा था, इन एडिशन टू इंसिनुएटिंग चेंजेस इनटू स्पोर्टिंग रेगुलेशन, स्पोर्टिंग रेगुलेशन में चेंज कर दिए, अब चेंज हुए या नहीं हुए ऊपर वाले पैराग्राफ में हम पकड़ेंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन एक्सटेंड फर्दर, उसका आगे एक्सटेंशन हुआ जो उसके इफेक्ट्स थे, उसका रिजल्ट क्या निकला, चेंजेस इन स्पोर्टिंग कोड, स्पोर्ट्स के जो कोड थे वो उन्होंने बदल दिए। ओके, उसको आगे हम डबल शोर करते हैं कि क्या चेंजेस आया। प्रायर मींस के चेंजेस जो लाइव टेलीकास्ट शुरू होने से पहले, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, हमने देखना कि व्यूवर्स को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं। तो मतलब प्रायर टेलीवाइज्ड कवरेज, ये टेलीविजन की लाइव कवरेज शुरू होने से पहले की बात कर रहा है कि ऐसे हो रहा था, फिगर्स जो थी स्केटिंग वाले वो क्या कर रहे थे, और ये वाला जो कंपोनेंट था ट्रांसलेटेड पुअरली टू स्मॉल स्क्रीन एज व्यूअर्स फाउंड द होल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द जजिंग ऑफ द मिनट्स टू बी मोनोटोनस एंड डल। तो ये कह रहा है कि जो ये जो सिस्टम था टेलीवाइज्ड मींस लाइव टेलीकास्ट होने से पहले, दिस होल प्रोसीजर व्यूअर्स को क्या लगता था, व्यूअर्स फाउंड द होल प्रोसीजर to be monotonous and dull। ये फिर से ये बीच में जो कॉमा लगा के फिर से यहाँ पे कॉमा दे दिया, यहाँ पे भी कॉमा दे दिया और यहाँ पे भी कॉमा दे, इसको छोड़ देना आपने। The viewers found the whole procedure to be monotonous and dull, means उनको बहुत बोरिंग लगता था ये सारा सिस्टम। तो फिर आगे क्या हुआ, आगे चेंजेस आ रहे हैं, अल्टीमेटली फिगर्स वर स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ शॉर्ट प्रोग्राम्स फीचरिंग मोर टेलीजेनिक ट्विस्ट एंड जंप्स। So, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो फिगर्स जो ऊपर वाले बता रहे थे उन्होंने क्या किया, उनको स्क्रैप कर दिया गया, कैसे जहां इनको स्क्रैप कर दिया गया या रिप्लेस कर दिया गया शॉर्ट प्रोग्राम जिसमें फीचर्स थे टेलीजेनिक ट्विस्ट और जंप्स वाले। और दूसरी स्पोर्ट्स में भी क्या हुआ, अदर स्पोर्ट्स आर अवॉश विद सिमिलर रेगुलेटरी शिफ्ट, उसमें भी जो दूसरे स्पोर्ट्स थे उनको भी कुछ ऐसे ही चेंजेस के साथ उनको वॉश कर दिया गया, अवॉश मींस वॉश वी कैन से, मींस उनको धो दिया गया, इनमें भी कुछ रेगुलेटरी शिफ्ट्स मींस कुछ चेंजेस इन्होंने भी किए। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जब भी आपको मिलेंगे दे आर गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए अगर आप सिर्फ इसको ही पढ़ लेते हो ना, अदर स्पोर्ट्स आर अवॉश विद सिमिलर शिफ्ट
और उसके बाद उन्होंने एक लॉन्ग डैश दे दिया है और आगे लिखा है पासिंग, ये आपके मतलब की चीज नहीं है, बट मीन्स कि ये चेंजेस बता रहा है कि शिफ्ट जो दूसरी स्पोर्ट्स में आए हैं। तो अगर हम पूरे पैराग्राफ का जिस्ट निकालते हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि चेंज कर दिया था उन्होंने। अच्छा, ये चेंज उन्होंने एग्जाम्पल, इसको पढ़ोगे ये एग्जाम्पल दे रहा है क्या चेंज किया था, मतलब ये वैसे मेरे काम की चीज नहीं है, मींस कि उसको ये जो चेंज आए थे उसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा है आगे कि क्या चेंज आया था इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली अगर हम इसको पढ़ते हैं तो पासिंग द बॉल बैक टू द गोलकीपर वाज बैंड इन फुटबॉल आफ्टर गेम प्ले एट 1990 वर्ल्ड कप वाज डीम्ड ओवरली डिफेंसिव बाय टेलीविजन व्यूअर्स। तो क्या मतलब है इसका कि जो गोलकीपर जो बॉल को बैक पास करता था उसको उन्होंने बैन कर दिया था, और इससे क्या हुआ कि जो टेलीविजन व्यूअर्स थे उन्होंने इसको कैसे लिया, वाज डीम्ड मींस कि वो कैसे मानते थे इसको, द 1990 वर्ल्ड कप वाज डीम्ड ओवरली डिफेंसिव बाय टेलीविजन व्यूअर्स, तो उनको ये लगता था कि ये ज्यादा डिफेंसिव बन गया है, समथिंग लाइक दैट। तो व्यूअर्स को खुश करने के लिए उन्होंने ये सारे चेंजेस जो थे दे हैव मेड इट। तो और वैसे भी नेक्स्ट जो मैंने अभी बता रहा था कि ई पैराग्राफ की जो बिगनिंग है वही आपको बता रही पिछले पैराग्राफ में क्या चीज है, तो ये जो लिंकिंग है दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस। ये जो लिंकिंग मैं बता रहा हूँ इसकी जो बिगनिंग है वही आपको सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। तो बी केयरफुल, और एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच गया इसका आंसर, डेफिनेटली जो है वो इट मस्ट बी ऑप्शन नंबर 8, रूल्स चेंज टू प्लीज व्यूअर्स। तो ये हम देख लेंगे। उसके बाद बी पैराग्राफ का भी हमने काफी, अगर आपने शॉर्ट्स में नोट्स बनाए हैं साइड में तो आपको वो हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग में क्या था, बिफोर टेलीविजन, टेलीविजन से पहले क्या हुआ था, लोग कैसे देखते थे, वो ग्राउंड में जाकर लाइव मैचेस देखते थे। फिर उसने लिखा था मेजोरिटी ऑफ फैंस हु वर अनएबल टू अफोर्ड टिकट्स वगैरह वाले पार्ट छोड़ दिया था, उनको क्या करना था, रिक्वायर्ड टू सी देम, उनको जाके देखना पड़ता था, द ओनली ऑप्शन, एक ही ऑप्शन उनके पास थी। उसका रिजल्ट क्या निकला, एज ए रिजल्ट थ्राइविंग सोशल नेटवर्क्स एंड स्पोर्टिंग कम्युनिटीज फॉर्म्ड अराउंड द एफर्ट्स टीम इन द थर्ड एंड फोर्थ डिवीजन एंड बिलो। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो थ्राइविंग मीन्स डिवेलपिंग, एज ए रिजल्ट थ्राइविंग सोशल नेटवर्क्स एंड स्पोर्टिंग कम्युनिटीज फॉर्म्ड, ये मतलब नई चीजें बन गई, स्पोर्टिंग कम्युनिटीज बन गई, सोशल नेटवर्क्स बन गए, और अराउंड द एफर्ट्स ऑफ टीम्स इन थर्ड एंड फोर्थ डिवीजन एंड बिलो। तो उसके बाद इसने लिखा है विद द एडवेंट ऑफ लाइव टीवी हाउएवर, जैसे ये लाइव टेलीकास्ट वाला सिस्टम आया बाद में, हाउएवर तो क्या हुआ, प्रीमियर मैचेस सडनली बिकेम अफोर्डेबल। तो प्रीमियर मैचेस जो थे वो अफोर्डेबल, वो पॉकेट फ्रेंडली हो गए, असेसिबल टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ न्यू व्यूअर्स। और ये जो चेंज आया, दिस शिफ्ट, ये जो चेंज आया कि हर बंदे तक लाइव टेलीकास्ट पहुंचने लगा, इन व्यूइंग पैटर्न वैक्यूम्ड आउट मींस हैज रिमूव्ड समथिंग और हैज गॉट अ सेटबैक, वी कैन से हैज रिमूव्ड, हैज वैक्यूम्ड आउट द स्पोर्ट बेस ऑफ लोकल क्लब्स। तो जो लोकल क्लब्स थे उनको इन्होंने पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया, मींस कि उनको पूरी तरह से वी कैन से अबॉलिश कर दिया, मैनी ऑफ विच अल्टीमेटली फोल्डर्ड, ज्यादातर जो थे वो पूरी तरह से फोल्ड हो गए, अल्टीमेटली मीन्स अपने आप वो फोल्ड हो गए, खत्म हो गए। तो इसका आंसर जो है दैट डेफिनेटली मस्ट बी ऑप्शन नंबर, मे बी हम देखते हैं कौन सी बची है हमारे पास, ये हमने सारी यूज कर ली है। अ कॉमन मिस परसेप्शन मीन्स कुछ गलत धारणा, ऐसा कुछ बोला नहीं इसने, स्पोर्ट्स पीपल बिकम स्टार ये तो आएगा नहीं, रूल्स वाला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, लोअर लेवल टीम लूज आउट, स्किल लेवल इम्प्रूव, इन दोनों में से अगर हम लगाएं तो डेफिनेटली आप 9 वाले के साथ जाओगे, लोअर लेवल टीम्स लूज आउट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 9 आ जाएगा, अभी इस पर लिखा नहीं जा रहा है, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विद इट। तो
ऐसे है जो मतलब आपने सॉल्व करना। तो देखिए दोस्तों, आपको पता चला होगा कि प्रैक्टिकली ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे पॉसिबल हैं, कैसे जो है वो आपने इनको करना है। और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करी है कि आपका कोई भी डाउट जो है आपके दिमाग में ना रहे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पीछे जो नीचे कमेंट्स बॉक्स हैं उसमें आप लिख सकते हो। और थैंक यू सो मच दोस्तों, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और मेरे को बताइए आपको इसका कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।